हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मसाला आलू की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसकी खास बात यह है कि ये 2 दिन तक खराब नहीं होती। तो अगर आपको जाना है कहीं घूमने तो इसे रेसिपी को आप बनाकर ले जा सकते हैं। और दोस्तों, इसको आप नाश्ते की तरह भी खा सकते हैं या फिर सब्जी की तरह पूरी पराठे के साथ भी। यहाँ पे मैंने इसके लिए ये आलू लिए हैं। ये हमारे 75% आलू बॉइल्ड है, यानी कि हमें प्रॉपर पूरी तरीके से बॉईल नहीं करना है जिससे वो बिल्कुल आसानी से टूट जाए। हमें 75% बॉईल करना है। जो 25% हमारे अनकुक्ड आलू हैं, वो अभी हम जब इन आलू की रेसिपी अभी जो बनाएंगे उसमें आसानी से ये कुक हो जाएंगे। और इन आलू को मैंने बड़े बड़े पीसेस में, जैसे किसी आलू के सिर्फ 2 पीसेस किए, अगर कोई थोड़ा और बड़ा है तो उसके 3 पीसेस में इन्हें कट किया है। अगर आप छोटे आलू यूज़ करते हैं तो आप सिंगल पीस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम मसाला आलू थोड़े बड़े पीसेस के ही बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक पैन गैस पे रखते हैं। इसमें हम डालते हैं सरसों का तेल और सरसों के तेल को खूब अच्छे से गर्म कर लेते हैं, तेज गर्म कर लेते हैं। जैसे ही ऑयल तेज गर्म हो जाए, हम गैस को तो बंद कर देंगे और फिर इस गर्म ऑयल में ही हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करने के बाद, जैसे पैन को हिलाएंगे ताकि हल्का सा ये ठंडा हो जाए, इसमें हम डाल देंगे जीरा। और जीरे की हमने क्वांटिटी थोड़ी अच्छी ली है तो 1 स्पून जीरा लिया है। और जीरे को थोड़ा भूनने देंगे, चटकने देंगे। इसके बाद इसी में हम बंद गैस में ही मसाले डाल देंगे, जैसे कि 1 पिंच मैंने इसमें डाल दी हींग। इसके बाद इसमें मैंने 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल दिया और ये मैंने 1 टेबल स्पून अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। और इन तीनों चारों चीज़ों को मैंने भून लिया। गैस को बंद ही रखना है। हमने सरसों का तेल गरम करके गैस इसलिए बंद करी ताकि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा ना उड़े और हमारा जो हम बनाने वाले मसाला आलू अच्छे से बनकर तैयार हो। इसके बाद इसमें मैं आलू डाल देती हूँ और आलू को मुझे इसमें खूब अच्छे से भूनना है। तो अब मैं गैस को तो ऑन कर दूंगी और आलू को खूब अच्छे से भूनूंगी। गैस को मीडियम सिम ही रखना है। 1-2 मिनट तक मुझे इनको भूनना होता है। ऐसा भूनने से, जैसे कि अभी हमने कहा था 75% ही हमने बॉइल्ड आलू लिए हैं, तो जो बाकी बचे 25% है वो इस तरीके से भूनने से हमारे आलू प्रॉपर कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इन्हें आलू को खूब अच्छे से भून लिया है। अभी हमने जैसे इसमें मसाला आलू बना रहे हैं तो मसाले तो खूब अच्छी क्वांटिटी में डालने ही हैं। अभी हमने कोई मसाला नहीं डाला, तो अब हम मसाले डालेंगे। गैस को सिम कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया लाल मिर्च पाउडर। मैं 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल देती हूँ। इसके बाद ये धनिया पाउडर लिया है मैंने। धनिया पाउडर इसमें लगभग 1.25 स्पून डाला है। उसके बाद मैं इसमें सौंफ पाउडर डाल देती हूँ। तो ये 1 स्पून मैंने सौंफ पाउडर इसमें डाल दी। 1/2 स्पून मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाल दिया। फिर 1/2 स्पून मैंने गरम मसाला इसमें डाल दिया है। इसके बाद ये 1/4 स्पून काली मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। और अब मैं इसमें लास्ट में स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ। अब सारे मसाले वगैरह सब डल चुके हैं, तो अब इन्हें खूब अच्छे से मिक्स करते हुए मसालों के साथ आलू को और अच्छे से 1-2 मिनट तक भून लेती हूँ, ताकि हमारे आलू मसाले भी अच्छे से सेट हो जाए, भुनकर तैयार हो जाए और बहुत टेस्टी हमारी ये रेसिपी तैयार हो। इसे हमने इतना अच्छे से भूना है इसलिए ही ये हमारे 1-2 दिन तक ख़राब नहीं होते। फ्रिज में रख दीजिए आप, तो आप 3-4 दिन तक भी खा सकते हैं। कहीं सफ़र वगैरह पे ले जा रहे हैं, अगर आपको जाना है, आपको आलू की सब्जी खानी है, आपके बच्चे आलू की सब्जी खाना पसंद करते हैं, तो आप इसको बना के ले जाइए, वो बहुत प्रेम से खा लेंगे और ये ख़राब भी नहीं होंगे। हमने इनको खूब अच्छे से भून लिया है। अब मैं इन्हें 1 मिनट के लिए ढककर कुक कर लेती हूँ, ताकि मसाले जो हैं आलू में और अच्छे से चिपक जाएँ, बिल्कुल सेट होकर आ जाएँ। तो 1 मिनट बाद देखिए हमारे सारे आलू में मसाले कितने बढ़िया तरीके से चिपक गए हैं। बिल्कुल हमारी ये मसाला आलू की रेसिपी जो तैयार है। अभी इसमें हम एक और स्पेशल इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं जिससे सब्जी का फ्लेवर और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाएगा। तो इसको अभी हम चलाने के बाद इसमें हम डालते हैं नींबू का रस। ये इससे डालने से क्या होता है, हल्का हल्की खटास आती है, तो जिससे ये रेसिपी बहुत टेस्टी लगती है। ये आपकी ऑप्शनल भी रहता है। इसको नींबू का रस डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मेरी ये रेसिपी जो है मसाला आलू की बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैं गैस को बंद कर देती हूँ और लास्ट में इसमें डाल देती हूँ धनिया पत्ती इसे गार्निशिंग के लिए। और ये मेरी रेसिपी तैयार है, इसको सर्व करती हूँ। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते कर दीजिएगा वीडियो को लाइक। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।